नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीण विकास मंत्री ने समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक। अवैध उगाही करने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। उत्पाद कोर्ट ने शराब तस्करी मामले के अभियुक्त को सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख का लगाया अर्थदंड। जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, ऑटो और मोटरसाइकिल में हुई टक्कर, 2 की हालत गंभीर। पेजे हिंदी विभाग में प्रेमचंद जयंती समारोह का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने कहा समय की धड़कन प्रेमचंद के साहित्य में है मौजूद। और प्लास्टिक मुक्त करने को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया गया अभियान। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को भागलपुर समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में भागलपुर जिले में चल रहे सरकार के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने विभाग के पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जीविका लोहिया, स्वच्छता योजना, जल जीवन हरियाली समेत कई योजनाओं में चल रहे कार्यों की जानकारी अधिकारियों से ली। वहीं विभिन्न योजना से अवैध उगाही के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस तरह की चर्चा अक्सर चौक चौराहों पर सुनने को मिलती है और ऐसे मामले की बारीकी से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गोराडी प्रखंड के मुरहन पंचायत में बीते दिनों मनरेगा योजना के तहत कार्य के एवज में मृत लोगों के खाते में रुपए ट्रांसफर करने के मामले की भी जांच कर कार्यवाही करने की बात मंत्री श्रवण कुमार ने कही। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े हुए जितनी योजनाएं इस जिले में चल रही है उसकी आज समीक्षा 12 बजे से रखा गया है। समाहरणालय में 12 बजे से इस जिले के सभी अधिकारी बैठेंगे और प्रधानमंत्री आवास का, मुख्यमंत्री आवास का, जल जीवन हरियाली योजना का, लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार का, जीविका का, इन सारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के उपरांत देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने टास्क दिया है, जो हम लोगों ने लक्ष्य दिया है, उन लक्ष्य के हिसाब से कितनी दूरी तक इस जिला में काम हुआ है और नहीं हुए हैं तो उसके कारण क्या है और इस समीक्षा के बाद कैसे हम लक्ष्य प्राप्ति करें उसके लिए दिशा निर्देश दिया जाएगा, कैसे योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके उसके लिए निर्देश। भागलपुर उत्पाद कोर्ट 2 के विशेष न्यायाधीश शरद चंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट ने शनिवार को शराब तस्करी के एक मामले में अभियुक्त मोनू कुमार को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। दरअसल कहलगांव के एनटीपीसी थाना क्षेत्र अंतर्गत सलेमपुर से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ऑटो की तलाशी के दौरान शराब की बड़ी खेप जब्त की थी, जिसके साथ पुलिस ने शराब तस्कर मोनू कुमार और विपिन यादव को भी मौके से गिरफ्तार किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान हुई गवाही में उत्पाद कोर्ट ने शराब तस्करी मामले को सही पाया, जिसके बाद मोनू कुमार को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया, जबकि साक्ष्य के अभाव में विपिन यादव को कोर्ट ने मामले में वरी कर दिया है। इधर उत्पाद कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार ने बताया कि शराब तस्करी मामले में कोर्ट के आदेश के अनुसार दोषी द्वारा अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मान्य विशेष उत्पाद कोर्ट 2 ADJ 12 मान्य श्री शरद चंद्र श्रीवास्तव के यहाँ NTPC 922 एक्साइज 196/22 का ट्रायल कंक्लूड हुआ और उसमें निर्णय सुनाया गया और उस में 30A में अभियुक्त मोनू कुमार और विपिन यादव 2 अभियुक्त था, एक अभियुक्त को साक्ष के अभाव में रिहा किया गया, एक अभियुक्त को मोनू कुमार को 5 साल की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
सनहोला थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजवारा खोगा मुख्य मार्ग स्थित करहरिया होटल के समीप मोटरसाइकिल और ऑटो में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा, जबकि एक महिला सवार बीच सड़क पर जा गिरी और उसकी बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं सड़क हादसे में दोनों व्यक्तियों को गंभीर रूप से जख्मी देखकर आसपास के ग्रामीणों ने इसकी सूचना सनहोला थाना पुलिस को दी, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से घायलों को सनहोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल को भागलपुर माइग्रेन अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर घायल की पहचान धोरैया थाना क्षेत्र के मोहम्मद शमसाद और धनकुंड थाना क्षेत्र निवासी खैरुल निशा के रूप में हुई है, जबकि घटनास्थल पर पहुंची सनहोला पुलिस ने ऑटो और मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग में शनिवार को प्रेमचंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर योगेंद्र ने की। इसके पूर्व शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समारोह की शुरुआत की। वहीं मुख्य अतिथि कवि चंद्रकांत राय ने उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यदि आज प्रेमचंद लिख रहे होते तो उनके पात्रों के नाम बदल जाते, लेकिन उनकी कहानियां वही रहती। जयंती समारोह के अवसर पर डॉक्टर योगेंद्र ने कहा कि 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हुआ था। उन्होंने बताया कि प्रेमचंद के साहित्य में समय की धड़कन मौजूद है। बता दें कि जंगे आज़ादी के दौर में प्रेमचंद की पत्रकारिता ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध ललकार की पत्रकारिता थी। इसके बानगी प्रेमचंद द्वारा संपादित काशी से निकलने वाले दो पत्रों जागरण और हंस की टिप्पणियों लेखों और संपादकीय में देखा जा सकता है। 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद का जन्म हुआ था। 31 जुलाई रविवार है, इसलिए आज जयंती मनाई जा रही है। प्रेमचंद एक महान शख्सियत हैं। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उनका जन्म हुआ, उन्होंने समय को पहचाना, कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे और समय की धड़कन उनके साहित्य में मौजूद है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी इतने वर्ष बीतने के बाद 1936 में उनकी मृत्यु हो गई, आज भी वो प्रासंगिक हैं, क्योंकि उनके साहित्य में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आज की चुनौती है, जैसे जाति है, संप्रदाय है, शिक्षा है, देश की जो आर्थिक संकट है, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रेमचंद अपने साहित्य में दर्ज करते हैं उस वक्त। स्वच्छ भारत मिशन 2022 के तहत भारत सरकार के स्टार्टअप कंपनी जीरो बेस्ट सर्कुलर सॉल्यूशन एवं भागलपुर नगर निगम के संयुक्त प्रयास से भागलपुर शहर को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर भागलपुर के सभी स्कूली बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ने की दिशा में कार्य करते हुए शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का कार्य लगातार जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को भागलपुर जीरो माइल स्थित एक स्कूल में प्लास्टिक कलेक्शन के लिए इनोवेटिव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी स्कूली छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिका और स्कूल के अन्य सदस्यों ने हिस्सा लेकर प्लास्टिक कलेक्शन कर एकत्रित किया। इस दौरान बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करते हुए कई सकारात्मक संदेश दिया गया। वहीं प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए देश भर में चलाए गए कार्यक्रम को लेकर जीरो बेस्ट सर्कुलर सॉल्यूशन के प्रतिनिधि ने कहा कि बच्चों द्वारा एकत्रित कर दिए गए प्लास्टिक के एवज में उनका एक पासबुक खोला जाएगा, जिसमें बच्चे द्वारा जमा किए गए प्लास्टिक के वजन के अनुसार कॉइन्स दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल बच्चे अपने लिए कॉपी किताब खरीदने में कर सकते हैं। स्टार्टअप कंपनी की ओर से बताया गया कि इसके अलावे बच्चे को कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे बच्चे यह जान पाएंगे कि प्लास्टिक जमा के बदले उन्होंने पर्यावरण को कितना लाभ पहुंचाया है। साथ ही कहा कि सर्टिफिकेट का उपयोग बच्चे भविष्य में उच्च शिक्षा में कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूल को एक प्लास्टिक बैंक के रूप में विकसित कर स्कूल को एक डैशबोर्ड शेयर करने की बात कही गई, जिससे स्कूल प्रबंधन अपना कार्बन क्रेडिट देख सकेंगे। साथ ही बताया गया कि विभिन्न स्कूलों और बच्चों से कलेक्ट किए गए प्लास्टिक का उपयोग भारत सरकार के नियमानुसार सड़क बनाने के साथ सीमेंट फैक्ट्री एवं कुर्सी टेबल बनाने और अन्य कार्यों में किया जाएगा। मौके पर विवेक चटर्जी, संगीता पांडे, देवाशीष बनर्जी, सुबोध कुमार भौमिक एवं विनय सिन्हा समेत स्कूल प्रबंधन के लोग मौजूद रहे। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी।
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ भागलपुर के तत्वाधान में युवा शक्ति संगठन के संरक्षक विजय कुमार यादव के सहयोग से आयोजित 8वां 3 दिवसीय सीनियर मेंस एवं वुमेन्स स्टेटस रग्बी फुटबॉल चैंपियनशिप का विधिवत उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री सह बिहार सरकार के रग्बी खेल के संरक्षक श्रवण कुमार, विजय कुमार यादव एवं अन्य आगत अतिथियों द्वारा किया गया। चैंपियनशिप का आयोजन सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक हो रहा है। इस 3 दिवसीय रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के आयोजन में 26 बालक वर्ग की टीम एवं 20 बालिका वर्ग की टीम पूरे बिहार के लगभग सभी जिलों से भागलपुर पहुंच चुकी है। सभी खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था भी संयोजक के द्वारा की गई है, जिसमें पटना, नालंदा, भागलपुर, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले के खिलाड़ी भाग लेंगे। शनिवार को पटना, सुपौल, भागलपुर, दरभंगा, भोजपुर, अरवल, बक्सर, सारण और शेखपुरा सुपौल समेत के जिलों के खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया। खेल प्रारंभ होने से पहले सभी टीमों ने मार्च पास्ट किया, वहीं इसके बाद मंत्री ने सभी खिलाड़ियों से मिलकर शुभकामना दी। उद्घाटन सत्र के दौरान युवा समाज सेवक विजय कुमार यादव के अलावा सुमित मुखर्जी उर्फ मामू, भागलपुर रग्बी सेक्रेटरी राज गौरव, बिहार रग्बी डेवलप पदाधिकारी गौरव चौहान, रग्बी कोच कुणाल कर्ण, सुबीर मुखर्जी, सुड्डू साई, नीलकमल राय के अलावे कई खेल पदाधिकारी, शहर के गणमान्य और सैकड़ों खेल प्रेमी मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सपना, स्वेटी और कविता को ग्रामीण विकास मंत्री से रग्बी खेल संरक्षक श्रवण कुमार ने सम्मानित किया। भागलपुर में रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और इस टूर्नामेंट में जो प्रतिभावान हमारे बच्चे होंगे उनको हम सब लोग आज देखेंगे कि कितने बच्चों में हमारी तासीर है, कौन राज्य के स्तर पर खेलेगा, कौन राज्य से बाहर दूसरे राज्यों में खेलेगा, कौन इसमें से इंटरनेशनल खेलेगा। ये सभी इसमें से प्रतिभावान बच्चों का सिलेक्शन आज होगा और इस कार्यक्रम को यहाँ पर चलाने के लिए विजय कुमार यादव जी जो हैं, इन्होंने बच्चों को खेलने के लिए आज यहाँ पर मौका दिया। उन्होंने इस खेल को आयोजन करने का जो जिम्मा लिया और इनकी टीम ने जो जिम्मा लिया है, इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। यह ऐसे साहसी नौजवान की जरूरत है जो अपने बच्चों की प्रतिभा को देखने के लिए, अपने बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, खेल के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऐसे स्वयंसेवी की जरूरत है जो आज किया है। पंकज जी को और उनकी टीम को धन्यवाद देते हैं। ये सब मिलजुल करके पूरे राज्य में रग्बी को और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और 3 खिलाड़ी हमारी, स्वीटी कुमारी, कविता कुमारी और सपना कुमारी, जो इंटरनेशनल खेल करके आई है, उसको भी शुभकामना देते हैं। रग्बी जो है भागलपुर रग्बी एसोसिएशन के द्वारा आयोजित उसके तत्वाधान में ये रग्बी का खेल का आयोजन हुआ है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री रग्बी के संरक्षक श्रवण कुमार जी विधिवत इनका उद्घाटन करेंगे अभी। और साथ ही खेल का जो आज पहली बार भागलपुर में हो रहा है, जो शुरुआत हुई है, लगता है कि ये शुरुआत अब लगातार जो है ये आगे की ओर और युवाओं को जो है इस खेल में आकर्षित करने के लिए, ये रग्बी बहुत ही अच्छा खेल है और जहाँ तक इसमें होगा हम लोग सब मिलके इस रग्बी को आगे बढ़ाने का। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के MBA विभाग में शनिवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह के दौरान विभाग के शिक्षकों और कर्मियों ने निदेशक पवन कुमार पोद्दार को उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर अंग वस्त्र और बुके देकर सम्मानित किया। वहीं प्रोफेसर पवन पोद्दार ने TMBU की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब बिजनेस टूडे के सर्वे में MBA विभाग का स्थान आता था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि छात्र परेशान है। विदाई समारोह के मौके पर प्रोफेसर पवन पोद्दार ने कहा कि यहाँ के छात्र छात्राओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस इसे तराशने की जरूरत है। वहीं डॉक्टर काजी कमरान ने कहा कि प्रोफेसर पवन कुमार पोद्दार ने 11 वर्षों तक अपनी सेवा दी और इनके कार्यकाल में MBA विभाग ने कई उपलब्धियां हासिल की। गौरतलब है कि प्रोफेसर पवन पोद्दार अगस्त माह के पहले सप्ताह में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में प्रतिकुलपति के पद पर कार्यभार संभालेंगे। कार्यक्रम में MBA विभाग के कई शिक्षक कर्मी और स्टूडेंट्स मौजूद थे। विदाई के समय एक भावनात्मक समय होता है और ये महसूस करने का चीज़ है, कहने का चीज़ नहीं है कि कैसा लग रहा है। स्टूडेंट में टैलेंट बहुत है और उनको तराशने की ज़रूरत है और दुर्भाग्य है कि ऐसा माहौल अभी वर्तमान में नहीं है। हमारा MBA विभाग विगत वर्षों में बिहार में नंबर वन रहा और ईस्टर्न जोन में 20 MBA के स्कूलों में कॉलेजों में स्थान पाना एक मायने रखता है और वो भी सर्वे हुआ था बिजनेस टुडे के द्वारा और उसमें हमारा पोजीशन 18वां था, जबकि ईस्टर्न जोन में कीट, IIM और XLRI जैसी संस्थाओं के बावजूद और हमारा अगर 18वां स्थान था तो यह उत्साहवर्धक था और हम लोग को पूरी संतुष्टि थी। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में सांस्कृतिक परिषद की ओर से सावन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के अलावा कॉलेज के कर्मियों और शिक्षकों ने भी भाग लिया। वहीं सांस्कृतिक परिषद की सचिव डॉक्टर स्वस्तिका दास ने बताया कि मारवाड़ी कॉलेज में पहली बार सावन उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना है। डॉक्टर स्वस्तिका की माने तो उत्सव जीवन की एक रसता एवं नीरसता को दूर करता है। इस अवसर पर प्रिंसिपल प्रोफेसर KC झा, डॉक्टर KM सिंह समेत के शिक्षक और स्टूडेंट्स मौजूद थे। आज हम लोग सावन उत्सव मना रहे हैं, छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं मिल करके, हमारे कर्मचारीगण भी इसमें शामिल हैं और ये लगता है मौका ऐसा है कि मारवाड़ी महाविद्यालय में शायद यह पहला ही बार ऐसा मनाया जा रहा है। बसंत उत्सव तो हम लोग हमेशा मनाते हैं और सावन उत्सव हमारे जहन में आया कि हम लोग इस जो विश्वविद्यालय में जो माहौल है उसको हम लोग और अधिक अच्छी तरह से इस पर कायम रहें कि हम लोग खुश रहें, आनंदित रहें। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सावन के 17वें दिन एक ऐसे शिव भक्त दिखे जो पैर से दिव्यांग होने के बावजूद अपने दोस्त की पत्नी को मेयर बनाने के लिए मध्य प्रदेश से अजगैबीनाथ धाम पहुंचे, जहां से वे उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर पैदल बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। वहीं इसको लेकर दिव्यांग कांवरिया श्याम लाल श्रीवास्तव ने बताया कि वो उनके दोस्त की पत्नी सहमा राय ने अनूपपुर से वार्ड पार्षद का चुनाव जीता है और अब उन्हें मेयर बनाने की कामना के लिए बाबा भोलेनाथ के शरण में देवघर पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। अध्यक्ष भाभी को अध्यक्ष बनाने की मनोकामना को लेकर कहाँ से आए थे? MP से। क्या नाम है? श्याम दास श्रीवास्तव। MP से कहाँ? MP शडोल। हाँ, अनूपपुर। अनूपपुर। क्या नाम है आपका? श्याम दास श्रीवास्तव। वाइफ क्या चीज में जीती है? वाइफ नहीं, भाभी। भाभी क्या चीज में? वो दोस्त की भाभी है। जी जी। कमाई नहीं, सगी नहीं। दोस्त की भाभी की मन्नत को लेके जा रहे हैं यार। वो भी दोस्त जो रहा ना, वो तो 3-6 साल तक ब्रेन डैमेज हो गया था उसका, दिक्कत उसके बहुत घर में। बांका के रजौन प्रखंड मुख्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत NTPC एवं विद्युत विभाग की ओर से उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव मनाया गया। इस दौरान विद्युत विभाग द्वारा आयोजित बिजली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ धौरैया विधायक भूदेव चौधरी और NTPC के महाप्रबंधक समेत कई पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कार्यक्रम में विभाग से जुड़े लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें विद्युतीकरण समेत
विभिन्न क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई, जबकि इसके अलावा बिजली महोत्सव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कलाकारों ने नई कनेक्शन और बिल समस्याओं पर नाटक का मंचन करते हुए आम लोगों को जागरूक किया। मौके पर जिला नोडल अधिकारी अभिषेक मेहरा, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता रोहित प्रसाद, संजीव कुमार प्रमुख रूबी कुमारी, उप प्रमुख गुड्डू राजा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीण विकास मंत्री ने समीक्षा भवन में अधिकारियों के साथ की बैठक, अवैध उगाही करने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। उत्पाद कोर्ट ने शराब तस्करी मामले के अभियुक्त को सुनाई 5 साल की सजा, 1,00,000 का लगाया अर्थदंड। जिले में नहीं थम रहा है रफ्तार का कहर, ऑटो और मोटरसाइकिल में हुई टक्कर, 2 की हालत गंभीर। पेजे हिंदी विभाग में प्रेमचंद जयंती समारोह का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने कहा समय की धड़कन प्रेमचंद के साहित्य में है मौजूद। और प्लास्टिक मुक्त करने को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाया गया अभियान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।